आई होती है लेकिन अचानक ही हो जाती है। अभी बड़ा फैक्चुअल बात कर रहा है, रिव्यू का रोल आम तौर पे घरों के अंदर ना वो ई होता है, चाहे वो आई ना हो, मर्द बेचारे आई नहीं होते लेकिन वो आई बता पड़ता है। आप लोग तो दोनों थे सर। हां सही बात, पता लाइट को ऐसे। ये सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SNN, Jung's SNN are about, this dichotomy is basically about learning, perception. हम सीखते कैसे? अच्छा ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम अपनी 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 लर्निंग्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, अपने परसेप्शंस को, अपने आइडियाज को। Jung ने डिस्कवर किया कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ परसेप्शन लर्निंग इनपुट। हर आदमी को अल्लाह ने दोनों तरीकों से सीखने की सलाहियत दी है, मगर मजा हमें किसी जी बात है ना, मजा हमें किसी एक में आता है। तो हम दूसरे को पसे पुश, इज अ बेटर वर्ड, पसे पुश डाल के जिसमें मजा नहीं आ रहा, जिसमें मजा आ रहा है सारा बोझ हम चले उसी पिटी। अल्लाह मियां कहते हैं चलो तुम एक तरीके से ही सीखो, तो फिर हम उसके मास्टर हो जाते हैं। वो चीज जो सब्जेक्ट्स उस मेथड से समझ में आते हैं वो हमें अच्छे लगने लगते हैं, और जो सब्जेक्ट्स दूसरे मेथड से समझ में आते हैं वो जो आपके फाइव सेंसेस इनको इंगेज करके सीखें। परसीविंग यूजिंग फाइव सेंसेस, इसका मतलब तजुर्बे से सीखना। फाइव सेंसेस इंगेज होंगे तो तजुर्बा ही होगा वो आपका, है ना। मैंने टेबल को छुआ तो ये तजुर्बा हो गया मेरा, मैं चाय पी रहा हूं तो मेरा टेस्ट जा रहा है, तो तजुर्बे से सीखना हो गया एस। या कल मैंने क्या खाया था या क्या तजुर्बा किया था उसको रिकॉल करना भी एस तजुर्बा। जो चीज तजुर्बे में नहीं आएगी वो फिर नहीं समझ आ रही है, तजुर्बा करके देखो। तो एस क्या हुआ? परसीविंग थ्रू इंगेजमेंट ऑफ फाइव एस सेंसिंग। दूसरा मेथड क्या है? इंफ्यूजन। अब इंफ्यूजन क्या चीज होती है? इंफ्यूजन ये कि अब मैंने अभी हम एस कर रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग अ मीटिंग जिसमें हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर आप लोग टाइप एक्सपर्ट हो गए बेहतर हो जाएगी फ्यूचर, हुई नहीं है अभी, हो जाएगी, ये मैंने एक ख्याल जाहिर कर दिया, इसको कहेंगे इंट्यूशन। ये तो अभी हुआ नहीं है, ये तो मैंने ख्याल जाहिर किया। तो इंट्यूशन पैदा कहां से हुआ? पैदा वो हुआ प्रेजेंट से, कनेक्ट किया मैंने पास्ट से कि जिन एनवायरनमेंट में लोगों ने टाइप सीखी है वो वहां पे टीचर्स सीखते हैं, तो उनकी टीचिंग में टीचिंग इफेक्टिवनेस आ जाती है। इंट्यूजन क्या हो गया? पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर को देखना, इसी को गट फीलिंग भी कहते हैं या सिक्स सेंस भी कहते हैं। तो परसीविंग थ्रू सिक्स सेंसेस इंट्यूजन एंड परसीविंग थ्रू फाइव सेंसेस इज सेंसिंग। एवरी इंडिविजुअल कैन परसीव थ्रू बोथ मेथड, बट वी इननेटली हमें मजा किसी एक से आता है, ये अल्लाह ने डिसाइड किया हुआ है, ये हमारा इशू सही है, गिफ्ट है। जिन लोगों को एस से मजा आएगा उनको एस सब्जेक्ट्स अच्छे लगेंगे, जिनको एन से मजा आएगा उनको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, किसको मजा करेंगे? कौन? एन को, एस को, थ्योरीज पढ़ने में, ठीक है। फ्यूचर को सोचना हो तो एन यूज करेंगे एस, और हाल पे ग्रिप मजबूत करनी है। मुझे इस कमरे को स्कैन करना है कि इसमें कितने पैनाफ्लेक्स लगे, तो मुझे एन यूज करना है, एस यूज करना है। अब टाइप कहती है कि अगर बाय टाइप में एन हूं तो एस यूज करने में मुझे पेन हो, स्ट्रेस आएगा, गलती के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन आप कहें इसी सेशन की पॉसिबिलिटीज बता दो 10 साल बाद इंपैक्ट क्या आएगा, ये एस अच्छा बता सकता है कि एम? आप लोगों से बात करें आपको एक जुमले में पता चलेगा ये बंदा एन है कि एस। तो
एस को करंट रियलिटीज में बहुत ग्रिप होती है, एन तो रहता ही फ्यूचर। अब मैं और आगे जाऊं तो एस का सवाल होता है नेक्स्ट स्टेप क्या है। एस क्या कहता है, व्हाट नेक्स्ट, अगला कदम, अगला काम क्या है। एस कहते हैं अगला कदम क्या है। एन क्या कहते हैं, एन तो शुरू ही गोल से करते हैं, फ्यूचर से, फिर रिवर्स प्लानिंग करते हैं। जब भी आप किसी एन से मिलेंगे तो वो बहुत ज्यादा गालिब गुमान है कि वो प्रेजेंट में नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में मिलेगा। तो वो फिर आपको लगेगा कि यार इनका प्रेजेंट तो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। तो फिर यही हाल एस के साथ है, उनका फ्यूचर वीक मिलेगा। आप किसी भी एस से दुनिया में पूछे यार तुम 50 साल बाद तुम्हारा इनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या क्या है, मैंने कभी नहीं सोचा।